माँ भद्रकाली में आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। वैष्णो देवी की तर्ज पर आपको यहाँ पर आएंगे तो खजाना मिल रहा है, वो खजाना जो माँ भद्रकाली के मंदिर में कटरा में मिलता है, उसी तर्ज पर कुरुक्षेत्र यानी कि हरियाणा के प्रदेश का एकमात्र शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर में आपको ये खजाना मिल रहा है। हम आपको दिखाएंगे नज़दीक से तस्वीर, ये खजाना जो माँ बैठी हुई हैं किस तरह से यहाँ पर खजाना बांटा जा रहा है और इस खजाने की क्या खासियत है, क्योंकि ये खजाना साल में सिर्फ एक बार मिलता है और अगर आपको खजाना लेना है तो इस तरह से लाइन में आना पड़ेगा तभी आपको खजाना मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जहाँ श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं तो वहीं खजाना भी ले रहे हैं, ये आप देख सकते हैं लाइनें दूर दूर तक मंदिर के अंदर लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पर श्रद्धालु खजाना लेने के तो लिए तो आ ही रहे हैं, वहीं माँ का प्रसाद भी यहाँ पर मिल रहा है। हम बातचीत करेंगे कि क्या है इस खजाने की खूबी, वैष्णो देवी की तर्ज पर आखिरकार ये खजाना क्या मिल रहा है, क्या बताएंगे खजाने की क्या खूबी है, क्योंकि साल में सिर्फ एक ही दिन ये खजाना मिलता है, पिछले साल मिला और आज शनिवार के दिन फिर ये खजाना मिल रहा है, सिर्फ ये माँ वैष्णो देवी के दरबार पर ही खजाना मिलता है, यहाँ के खजाने की क्या खूबी है? ये माँ भद्रकाली का शक्तिपीठ है, यहाँ माँ का दाया टकना गिरा था और ये माँ का आदेश हुआ है कि मेरे भक्तों को ही खजाना मिलना चाहिए, तो इसीलिए आज शनिवार का विशेष दिन, माँ का प्यारा दिन, तो इसीलिए साक्षात माँ बैठी है यहाँ खजाना दे रही है सभी भक्तों का, सभी का प्यार माँ का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी भक्त इतने सौभाग्यशाली हैं कि खजाने के लिए सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और सभी बड़े प्यार से खजाना ले रहे हैं, झोलियां पसार कर ले रहे हैं। जय माता की, सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं। क्या कहेंगे, वैष्णो देवी में ही खजाना मिलता है, देश का शायद दूसरा मंदिर होगा जहाँ पर ये खजाना मिल रहा है? नहीं, वैष्णो देवी में मिल रहा है लेकिन ये शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ में मुझे लगता है पहली बार ही खजाना मिल रहा है, ये माँ का ऐसा आदेश हुआ है तभी एक छोटी बच्ची कन्या के रूप में आकर, माँ के रूप में आकर आज खजाना बांट रही है। आप भी देखिए लाइव, सबको खजाना बड़े प्यार से दे रही है बच्ची। कब तक बांटा जाएगा ये खजाना? जब तक माँ की इच्छा होगी तब तक मंदिर खुला रहेगा, खजाना बटेगा। 9 दिन में अलग अलग माँ की रूपों में पूजा होती है तो जाहिर है आज माँ साक्षात बैठी है यहाँ पर खजाना बांट रही है। हाँ, ये सभी भक्तों का सौभाग्य है, आज माँ के हाथ से खजाना मिल रहा है, सभी भक्तों का सौभाग्य है। जय माता। यही वो खजाना है, अगर अपने घर में रखेंगे तो जाहिर है झोली भरी रहेगी, झोली भरी रहेगी, उनके खजाने भरे रहेंगे, उनकी तिजोरियां भरी रहेगी, धन और वैभव का उनके घर में अपार कृपा होगी माँ की। जय माता की। भैया आप क्या कहेंगे कि माँ का खजाना आखिरकार सिर्फ मैं मानता हूँ माँ वैष्णो देवी मिलता है और आज देश का एकमात्र शक्तिपीठ भद्रकाली में मिल रहा है? जब हम माँ भद्रकाली का नाम ले देंगे ना तो पूरा जीवन खजाने से भर जाएगा, इसके सिवा तो कुछ है ही नहीं। एक बार आपने उस चरणों में शीश झुका दिया तो ये खजाना, माँ के नाम का खजाना, माँ के नाम का प्रसाद, वो हमारे जीवन को ऐसा महकाएगा कि आप देखते ही बनेगा। माँ भद्रकाली के सभी भक्तों को नवरात्रि महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 दिन तो अलग अलग खास दिन आज इंतजार था। मैं तो अभी 15 मिनट पहले गुजरात से आया हूँ, माँ भगवती के वहाँ गरबा महोत्सव छोड़ करके वहाँ पे अपनी सेवा पूरी करके अब मैं माँ भद्रकाली के दरबार में सेवा करने के लिए आया हूँ। ये वो खजाना है, यानी कि आप आएंगे तो आपको ये खजाना इस प्रकार का, इस पे साफ लिखा हुआ है माँ का ये अनमोल खजाना, अगर आप माँ भद्रकाली के मंदिर में आएंगे तभी आपको खजाना मिलेगा, अन्यथा आपको ये खजाना कहीं नहीं मिलेगा, जाहिर है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और श्रद्धालुओं की पूरी तरह से भीड़ उमड़ी हुई है। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और यहाँ पर किस तरह से लगातार श्रद्धालु आए हुए हैं और माँ की अलग अलग रूपों में पूजा हो रही है। माँ भद्रकाली का ये ऐतिहासिक शक्तिपीठ है जिस शक्तिपीठ में माँ की अलग अलग रूपों में पूजा होती है, 9 दिनों तक नवरात्रों के विभिन्न रूप में यहाँ पर पूजा होती है और माँ यहाँ पर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही है और आज वही खजाना लेने के लिए यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के शक्तिपीठ की बात की जाए तो ये वो शक्तिपीठ है जहाँ पर सती देवी का दाया टकना गुल्फ विराजमान है और किस तरह से यहाँ पर ये देवी के मंदिर में, माँ के मंदिर में, भद्रकाली मंदिर में नवरात्रों के दिन पर खजाना मिल रहा है और यहाँ पर जो खजाना मिल रहा है उसको लेने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा तभी आपको खजाना मिलेगा और ये खजाना वैष्णो देवी में मिलता है मगर ये खजाना माँ भद्रकाली के शक्तिपीठ में मिल रहा है। अशोक यादव, न्यूज 18 हरियाणा, कुरुक्षेत्र।